सुंदरकांड के जरिए श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान की शुरुआत, बीजेपी नेता राजेश राय का आयोजन। बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा की ओर से आज सानपाड़ा में सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जहां उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय द्वारा आयोजित इस सुंदरकांड अनुष्ठान का उद्देश्य श्री राम मंदिर निर्माण में योगदान के लिए राम भक्तों को प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर हिंदू मुस्लिम सिख समेत तमाम समुदाय के नागरिकों ने हिस्सा लिया। पूर्व सांसद संजीव नाइक ने राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान का शुभारंभ करते हुए बीजेपी मोर्चा के जिला संयोजक राजेश राय की सराहना की और नागरिकों से राम मंदिर निर्माण में सहयोग का आह्वान किया। मुझे बड़ी खुशी है, राय साहब ने सनपड़ा ये इलाके में सेक्टर 30 का जो इलाका है, आज हमें खुशी है कि पूरे देश में प्रभु भगवान राम जी का मंदिर बनाने का जो एक पण सभी देशवासियों ने लिया है, और ये जिम्मेदारी हमारे सब देशवासियों की है। यहाँ कोई जात धर्म भाषा प्रांत पक्ष वर्ण प्रदेश का कोई मायना नहीं होता है। हर देश के नागरिक ने इस राम भूमि के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। निर्माण की एक स्थिति हमें देखने मिलने वाली है। मैं राय साहब को और उनके पूरे टीम को, हमारे बस्ती प्रमुख है, हमारे यहाँ सभी सहयोगी है, हमारे पराजुली जी है, हमारे सभी सहयोगी है, इन लोगों का बड़ा योगदान इस अभियान में है। कितनी राशि जमा हुई ये महत्व नहीं है, हर घर में जाना और हर घर से एक रुपया भी मिलेगा ना तो भी हमारे लिए बड़ी बात है। बहुत ही कामयाबी की ओर इस निर्माण होते एक बहुत अच्छा राम मंदिर, इस विश्व को एक अपनी अलग ऊंचाई के लेके जाने वाला राम मंदिर हमें देखने के लिए मिलेगा। वहीं श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत करने वाले उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला संयोजक राजेश राय ने कहा, सैकड़ों वर्षों के संघर्षों के बाद वह सुनहरा अवसर देखने को मिला है, इसलिए हमारा प्रयत्न है कि सब इसमें योगदान दें। राजेश राय ने नवम्बेकरों से इस अभियान के जरिए श्री राम के काज में हाथ बटाने का आह्वान किया। जैसे कि सभी लोग को पता है, आज पूरे देश में वातावरण राममय हो गया है। ये हमारा बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें जीवन में प्रभु राम की भक्ति और हो सके तो जीते जी उनका मंदिर देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज इसी कड़ी में एक छोटा सा कार्यक्रम सुंदरकांड मैंने रखा है और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। सभी हिंदू भाई बढ़ चढ़ कर मतलब के हिस्सा ले रहे हैं। हिंदू भाई तो छोड़ो, यहाँ के मतलब के मुस्लिम भाई भी हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और ये वातावरण पूरा विश्व आज सब जानते ही हैं कि जैसा आज टीकाकरण का भी मतलब कि चालू हुआ, बहुत अच्छा वातावरण है। प्रभु राम के हम लोग जरा थोड़ा भी काम आए, इससे ज़्यादा पुण्य की बात कोई और नहीं हो सकती है। जय श्री राम। ये निधि समर्पण का कार्यक्रम 15 तारीख से चालू हुआ है और अगले महीने फरवरी के 15 तारीख तक मतलब कि चलेगा। पूरा एक महीने का मतलब कि ये नियोजन है और हम लोग को मतलब कि कार्य दिया है कि हम लोग मतलब कि घर घर पर जाएँ और जो भी यथाशक्ति जो भी प्यार खुशी से जो दे सके उसका, क्योंकि सभी की आहुति मतलब की आनी चाहिए, मकसद पैसे का नहीं है, सभी का उसमें सहयोग हो, ये हमको दिशा निर्देश दी गए, उसी के ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं। जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।